ओम ज्ञान अतिनिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकय चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् सारिवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नम ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज के कार्यक्रम में थोड़ा बदलाव हुआ, क्योंकि हमने देखा कि मौसम अच्छा है, गर्मी नहीं है, अच्छी हवा बह रही है, तो यहाँ आना उचित था और समय भी था हमारे पास। नहीं सुनाई दे रहा है तो क्या करें। हरे कृष्णा। प्रसाद खा के काफी समय हुआ ना, ठीक है, जोर से बोलना होगा। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, ये कोदंड राम मंदिर है और इसके पीछे, इस मंदिर के पीछे ऊपर यंत्रोधारक हनुमान जी विराजमान हैं। और आप में से थोड़े भक्त उस स्थान के भी ऊपर गए होंगे, वहाँ बालाजी श्रीनिवास जी भगवान के विष्णु रूप भी विराजमान हैं। और यहाँ सामने तुंगभद्रा नदी बह रही है, आप देख रहे हैं। जब मैं पिछली बार यहाँ आया था तो उतना पानी नहीं था नदी में, और वहाँ जहाँ पत्थर है वहाँ स्नान के लिए जाना पड़ रहा था, तो काफ़ी चलना पड़ रहा था। तो यहाँ तो तट से ही पानी बह रहा है, कितना सुंदर दृश्य है। तो थोड़ी देर बाद में कोई भक्त तुंगभद्रा का जल इकट्ठा करके हम सब के ऊपर छिड़केंगे। तो यहाँ स्नान करना सख्त मना है, खतरा है यहाँ स्नान करने के लिए, इसलिए नहीं करना चाहिए। यहाँ जो घाट है, स्नान करने का स्थान है, इसको चक्र तीर्थ कहते हैं। तो कोदंड राम मंदिर के बिल्कुल सामने यह है चक्र तीर्थ, जहाँ पर लोग आके स्नान किया करते थे पहले, अब मना है। देखिए यहाँ पर भी कितना सुंदर दृश्य है, बरसात के समय आए हैं, बरसात के बाद, इसलिए यहाँ पानी अच्छी तरह से बह रहा है नदी में। नदियाँ जब बहती हैं इस तरह से, विशेष रूप से जब वो पवित्र नदियाँ हैं और पवित्र स्थान में हम बैठे हुए हैं, तीर्थ स्थान में, तो इनका जो प्रभाव चित्त के ऊपर होता है वो बहुत विशेष होता है। आप सबको यहाँ ये दृश्य देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई या नहीं? हर जगह जहाँ भी हम जा रहे हैं इस यात्रा में, कितने सुंदर दृश्य हम देख रहे हैं। कोदंड राम मंदिर ये स्थान वो है जहाँ पर कि सुग्रीव का राज्याभिषेक हुआ था। आज सुबह ही हम इस विषय की चर्चा कर रहे थे, आप सबने दर्शन भी किया है। यहाँ पर भगवान राम के सीता देवी लक्ष्मण और सुग्रीव के साथ
विग्रह हैं जो कि पत्थर से बने हुए हैं, उसी पत्थर के में ही उनको शिल्पकार ने बनाए हुए हैं इन विग्रहों को। और भगवान का नाम, ये बहुत प्राचीन मंदिर है और बहुत प्रसिद्ध स्थान है, कोदंड राम मंदिर। भगवान श्री राम को कोदंड राम, कोदंडी क्यों कहा गया है? क्योंकि उनके धनुष का नाम है कोदंड। जैसे कि भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण के धनुष का नाम क्या है? शारंग। इसलिए भगवान को शारंगी कहते हैं या शारंग धनवा कहते हैं। तो ग्रंथों में भगवान कृष्ण या विष्णु को इस नाम से भी अनेक बार पुकारा जाता है, संबोधित किया जाता है। उसी प्रकार श्री राम के धनुष का नाम है कोदंड, जो जिससे वो दुष्टों को दंड देते हैं। दंडधारी लोगों में से श्री राम, मैं श्री राम हूँ, ऐसे भगवद गीता में भगवान कहते हैं ना। तो जितने भी अवतार हुए उनमें से राम अग्रणी है उनमें, जो कि दंड देते हैं दुष्ट लोगों को। श्री राम ने कितने सारे दुष्ट लोगों को दंड दिया। अब भगवान राम के पास भगवान विष्णु के दो धनुष आए। एक जब श्री राम, सीता देवी और लक्ष्मण जी चित्रकूट में थे, चित्रकूट से आगे निकल पड़े तो अगस्त्य मुनि के ऋषि में आश्रम में आए, वहाँ पर थोड़े समय के लिए रहे। अगस्त्य मुनि ने उनकी सेवा खूब की, बल्कि श्री राम ने उनको वरिष्ठ मानकर, एक ऋषि मुनि मानकर उनकी सेवा वहाँ पर की। अगस्त्य मुनि ने श्री रामचंद्र को उनके आने वाले कार्यों में सहायता करने के लिए अनेक अस्त्र और शस्त्र दिए। उनमें से ये भगवान विष्णु का एक धनुष भी था। और वहाँ ऐसे नहीं बताया गया है कि अगस्त्य मुनि को ये भगवान विष्णु का धनुष कैसे मिला, कहाँ से मिला। और एक भगवान विष्णु का धनुष जो श्री राम को मिला वो परशुराम के द्वारा था। दो चार महीने पहले हम बेलगाम के मंदिर में परशुराम की कथा कर रहे थे प्रति रविवार, और आप में से जो वहाँ बेलगाम के हैं आपको याद होगा कि परशुराम जी ने तो व्रत लिया था कि वो अब युद्ध नहीं करने वाले हैं। एक बार उन्होंने कार्तिवीर अर्जुन के पुत्रों को दंडित किया, क्षत्रियों को दंड दिया, क्षत्रिय यहाँ वहाँ भाग गए सारे दुनिया भर में। उसके बाद में उन्होंने प्रायश्चित किया और व्रत लिया कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। तो जब श्री राम सीता देवी को विवाह में जीत कर आए स्वयंवर में, और उनके साथ में लक्ष्मण भी थे, दशरथ महाराज थे इत्यादि, और ऋषि मुनिगण भी थे, वो अयोध्या लौट के आ रहे थे, तो उस समय परशुराम जी बीच में आए। परशुराम जब वहाँ पर आए तो सारे वातावरण में तूफान से एक वातावरण, एक माहौल मच गया, और परशुराम जी प्रकट हुए श्री राम के सामने। दिखने में भयानक दिख रहे थे और सभी लोग डर गए, यहाँ तक कि दशरथ महाराज भी डर गए। उन्होंने परशुराम से निवेदन किया कि आपने तो व्रत लिया था कि आप युद्ध नहीं करेंगे, तो फिर से आपने धनुष धारण किया है, इसके पीछे क्या कारण है? तो उन्होंने कहा, मैंने सुना है कि आपके पुत्र ने शिवजी का धनुष तोड़ा है, तो बहुत शूरवीर हैं आपके पुत्र, परंतु मैं ये देखना चाहता हूँ कि वो विष्णु का धनुष मुझसे छीन कर तोड़ पाएंगे या नहीं। तो दशरथ महाराज ने बहुत उनसे निवेदन किया कि इस प्रकार का एक भयानक भाव या स्वरूप आप कृपा करके स्वीकार न करें, परंतु परशुराम ने बात नहीं मानी।
उधर श्री राम ने एक क्षण में झटके से परशुराम जी के हाथ से वो छीन ली, वो छीन कर तुरंत उसे उन्होंने स्वीकार कर लिया और उधर परशुराम चकाचौंध रह गए। परशुराम जी भी तो भगवान के ही शक्त्यावेश अवतार हैं, तो उन्होंने देखा कि मेरी शक्ति प्रदान करने वाले ही मुझसे उन्होंने अपने मेरा धनुष ले लिया है, तो उन्हें समझ में आया कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये स्वयं मेरे आराध्य ही हैं। तो फिर नमस्कार करके परशुराम जी वहाँ से चले गए। तो ये जो धनुष है ये श्री राम को परशुराम के द्वारा मिला था, परशुराम को मिला उनके पिता जमदग्नि से, जमदग्नि के पिता थे ऋचिक मुनि, तो ऋचिक मुनि को ये देवव्रत ने दिया था, विष्णु ने, स्वयं भगवान विष्णु ने दिया था, जबकि विष्णु और शिव का जो धनुष था शिव जी ने वो धनुष देवव्रत को दिया, देवव्रत ने आगे चल के जनक महाराज को दे दिया, जनक महाराज की वंशावली। तो ऐसे जनक महाराज के पास शिव जी का धनुष आ गया और परशुराम जी के पास भगवान विष्णु का धनुष आ गया और वहाँ मिथिला में श्री राम ने शिव जी का धनुष तो तोड़ ही दिया और यहाँ पर उन्होंने विष्णु का धनुष भी छीन लिया परशुराम जी से। परंतु ऐसे प्रतीत होता है कि जो धनुष श्री राम ने अगस्त्य मुनि से प्राप्त किया शायद वही कोदंड है जिससे कि आगे चल के उन्होंने अनेक असुरों का वध किया, श्री राम की हत्या भी उन्होंने इस कोदंड से की। तो खैर इसलिए श्री राम का नाम है कोदंड राम। तो ये मंदिर बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस इलाके में बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं। जैसे कि मैंने बताया था पिछले दो दिनों में वास्तुकला और इतिहास का महत्व इस स्थान में बहुत है, इसलिए पर्यटक बहुत आते हैं और यहाँ पुराने जो मंदिर आदि हैं अधिकतर बंद पड़े हैं, उनमें विग्रह भी नहीं हैं। ऐसे थोड़े ही मंदिर हैं जहाँ पर आज भी विग्रह हैं और जहाँ आराधना उनकी हो रही है, उनमें से एक ये कोदंड राम मंदिर है, ऊपर यंत्रोधारक हनुमान जी का मंदिर भी है और आगे चल के जब हम विरूपाक्ष मंदिर में जाएंगे वहां पर भी आराधना हो रही है। तो यंत्रोधारक हनुमान जी मंदिर के पीछे एक बहुत सुंदर कथा है जिसका संबंध व्यास तीर्थ जी से है। आपको याद होगा व्यास तीर्थ कौन थे, मध्व संप्रदाय के एक सन्यासी थे, किनके गुरु थे, कृष्णदेव राय के गुरु थे। तो उन्होंने संपूर्ण कर्नाटक में 72 हनुमान जी के विग्रहों की स्थापना की। जब वो यहाँ पर चक्र तीर्थ में आए कोदंड राम का दर्शन उन्होंने किया तो उन्होंने इस मंदिर के पीछे एक पत्थर के ऊपर हनुमान जी का एक चित्र बनाया और फिर थोड़ी देर बाद में जब वो आए तो उन्होंने देखा कि चित्र गायब हो गया, चित्र का परिवर्तन हनुमान जी में हो गया, हनुमान जी स्वयं उस चित्र से प्रकट हुए और निकल पड़े और फिर वो पत्थर में चित्र नहीं रहा। तो फिर व्यास तीर्थ ने कहा ये तो हनुमान जी की लीला लग रही है, इस प्रकार का अद्भुत कार्य वो कर रहे हैं। तो दोबारा उन्होंने चित्र निकाला उस पत्थर के ऊपर और फिर वही हो गया, ऐसे अनेक बार हो गया, कई लोग कहते हैं 12 बार ऐसे हुआ। खैर जो भी हो, जब ऐसे बार बार होता गया और हनुमान जी का चित्र, अच्छा हरे कृष्णा हरि बोल, तो जब ऐसे बार बार होने लगा तो व्यास तीर्थ सोच रहे थे
कि हनुमान जी भी बहुत बहुत विशेष लीला कर रहे हैं, परंतु हम हनुमान जी की यह बांध के रखना चाहते हैं। हनुमान जी अनेकों बार इतने चंचल हो जाते हैं कि उनको बांध के रखना पड़ता है। जगन्नाथपुरी में आप बेड़ी हनुमान की बात तो जानते ही हैं, जहां हनुमान जी को वहां स्थापित किया था पुरी की रक्षा करने के लिए, ये देखने के लिए कि समुद्र का जल पुरी शहर में न आए, पुरी शहर और जगन्नाथ मंदिर डूब न जाए। परंतु वहां उनको रोज खिचड़ी खिलाया जाता था और बीच बीच में देखे कि क्या है ये खिचड़ी खिला रहे हैं रोज मुझे, और अयोध्या में श्री राम को देखो लड्डू वड्डू बढ़िया मिल रहे हैं। तो एक बार उन्होंने क्या किया, जल्दी से उड़ गए, रात में जब कोई नहीं देख रहा था अयोध्या गए। हनुमान जी को तो ज्यादा समय नहीं लगता ना जाने के लिए, तो सीधे उड़ के चले गए और लौट के आए, किसी को पता भी नहीं चला, अच्छे लड्डू उड्डू खा के आ गए। तो धीरे से समुद्र को पता चला कि हनुमान जी गायब होते हैं बीच बीच में। तो समुद्र तो मौका देख रहे थे, जब हनुमान जी थे तब तक कुछ कर नहीं पाए। एक बार वो जब पहरा दे रहे थे कि जब हनुमान जाएंगे तब मैं प्रवेश करूंगा पुरी में, तो हनुमान जी उड़ के चले गए एक बार, तो समुद्र का जल अंदर चले आया और उसके बाद फिर उनको दंड दिया गया हनुमान जी को, उनको बेड़ी से बांधा गया कि अभी आप यहाँ से जाओगे नहीं, परंतु आपको लड्डू भी खिलाएंगे। तो यहाँ उस दिन से उनको अच्छे मिठाई लड्डू वगैरह बहुत खिलाते हैं और बेड़ी है, बेड़ी से बांध के रखा है हनुमान जी को, तो इसलिए उनका नाम है बेड़ी हनुमान। ऐसे अनेक विग्रह हैं पुरी में बेड़ी हनुमान के, दो तीन और हैं। तो यहाँ पर भी जब व्यास तीर्थ ने देखा कि हनुमान जी इस प्रकार से गायब हो रहे हैं तो कैसे बांध के रखा जाए, तो उन्होंने एक यंत्र बनाया। तरह तरह के यंत्र होते हैं, आप जानते हैं, श्री यंत्र, तरह तरह के यंत्र। तो यंत्र बनाकर उन्होंने हनुमान जी को वहां बांध के रखा ताकि हनुमान जी वहां से निकल नहीं पाए। उसके बाद फिर हनुमान जी वहां से गए नहीं। तो यंत्र, इसलिए उनका नाम हुआ यंत्रोधारक हनुमान जी। तो ये यहाँ हम्पी का एक बहुत ही पवित्र स्थान ये माना जाता है और ये पत्थर में है हनुमान जी की मूर्ति। और सामने इस पीछे जो है वो मतंग पर्वत है, हमारे पीछे, मेरे पीछे और आपके सामने मंदिर के पीछे मतंग पर्वत, मतंग ऋषि जहाँ पर तपस्या किया करते थे, हो सकता है उनका आश्रम यहीं पे ऊपर कहीं हुआ होगा उस समय त्रेता युग में। और वाली की चर्चा जब करेंगे आज शाम को, तो हम ये बताएंगे कि कैसे इस स्थान का महत्व क्यों हुआ वाली के लिए और सुग्रीव के लिए। और इस मंदिर, इस पहाड़ के ऊपर अच्युत राय भगवान कृष्ण का एक मंदिर है, हम लोग वहाँ पर नहीं जाएंगे, परंतु थोड़ी दूर जाकर आपको दिखाई पड़ेगा अच्युत राय जी का मंदिर है। सुनाई दे रहा है? हाँ, और सामने तो तुंगभद्रा है और यहाँ मेरी बाई ओर ऋषिमुख पर्वत है, ऋषिमुख पर्वत जहाँ पर सुग्रीव रहा करते थे हनुमान जी के साथ वाली की हत्या के पहले, और जब कोई खतरा होता था तो तुरंत यहाँ पर मतंग पर्वत में आ जाते थे, क्योंकि मतंग पर्वत उनके लिए एक कवच के समान था और सुरक्षित वो रहते थे यहाँ पर। तो ये ऋषिमुख पर्वत है, यहाँ पर यंत्रोधारक हनुमान स्थान में हनुमान जी पहली बार श्री राम और लक्ष्मण से मिले इसी स्थान में। आज शाम को विस्तार में इस लीला का चर्चा हम सभागृह में करेंगे। साथ साथ सामने कहीं एक गुफा है
नदी के उस पार सुग्रीव का गुफा। ऐसे कहा जाता है कि जब सीता देवी का अपहरण हो रहा था, रावण उनको उठाकर ले जा रहे थे, तो सीता देवी ने अपने आभूषण फेंक दिए, छोड़ दिए, ताकि वो गिर जाएं और आगे चल के हो सकता है कोई उन आभूषणों को पहचान ले, देख ले और जान ले कि किस दिशा में सीता देवी गई हैं। तो बाद में सुग्रीव को एक या दो आभूषण ऐसे मिले, तो लक्ष्मण जी पहचान गए सीता देवी के वो आभूषण जो उनके सीता देवी के चरण कमलों में थे, परंतु उसके ऊपर जितने भी आभूषण सीता देवी ने पहने थे वो लक्ष्मण जी ने पहचाने नहीं, क्योंकि उन्होंने देखे ही नहीं थे, क्योंकि वो सदैव सीता देवी से बात करते थे तो सर झुका के बात करते थे, इसलिए ऊपर उन्होंने देखा ही नहीं। तो ये आभूषण कहाँ से दिखाई पड़े? ये सुग्रीव को मिले थे और सुग्रीव जी ने फिर उन आभूषणों को यहाँ अपने गुफे में छुपा के रखा था, और जब श्री राम और लक्ष्मण आए फिर उन्होंने उनको ये आभूषण दे दिए। तो ये सारे महत्वपूर्ण स्थान यहाँ पर हैं। साथ साथ में विरूपाक्ष मंदिर, जहाँ हम दाहिने ओर मुड़े यहाँ आने के लिए बाएं ओर मुड़ते तो विरूपाक्ष मंदिर, बहुत बड़ा मंदिर आपने देखा होगा। हमारे थोड़े भक्त वहाँ चले गए, हम भी जाने वाले थे फिर यहाँ आ गए। शिवजी का मंदिर है, पंपापति शिवजी की उपासना वहाँ होती है और बहुत बड़ा मंदिर है। एक स्वयंभू शिवलिंग है वहाँ पर और पंपा देवी जिनके पीछे ये नदी का नाम है और इस स्थान का भी नाम है पंपा सरोवर, पंपा क्षेत्र इत्यादि। और यहाँ जो गोपुरम है उस मंदिर का बहुत ऊंचा है, 165 फुट ऊंचा है और विजयनगर राज्य के प्रारंभ से पहले ही ये मंदिर हुआ है, इसका मतलब है बहुत प्राचीन मंदिर है। और वहाँ उस मंदिर के नीचे वाले भाग में भगवान विष्णु ने एक तराजू धारण किया हुआ है, एक तराजू में है काशी धाम और दूसरे में है पंपा क्षेत्र, और दोनों में भारी कौन सा है? पलड़ा, पंपा का पलड़ा भारी है। तो इसका मतलब है कि यहाँ ऐसे माना जाता है कि ये स्थान विरूपाक्ष मंदिर का पंपापति का स्थान है, ये काशी से भी अधिक पावन है, तो ऐसे यहाँ की मान्यता है। इस प्रकार से यहाँ इन थोड़े स्थानों की संक्षेप में हमने अभी आपको जानकारी दी। अभी जल छिड़काएंगे आप सबके ऊपर, ऐसा देखिए कि सबके ऊपर आपका सर ऐसे करके आप स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि हम लोग वहाँ जाके स्नान नहीं कर सकते। तो यहाँ पर कौन से मंदिरों की चर्चा हुई? कोदंडराम, यंत्रोधारक हनुमान जी, बालाजी मंदिर, मतंग पर्वत, ऋषिमुख पर्वत, सुग्रीव गुफा, विरूपाक्ष मंदिर और तुंगभद्रा नदी। तो भी थोड़ा कीर्तन यहाँ करेंगे हम।